अगर आपने जुपिटर की तस्वीर देखी है तो आपको उसके ऊपर ये अजीब चीज़ ज़रूर दिखाई दी होगी। इसको रेड स्पॉट का नाम दिया जाता है, जो कि ये जुपिटर से बिल्कुल ही अलग लगता है। ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि अगर हम कहीं क्लियर स्काई वाली जगह पर जाएं जहां पर कोई भी लाइट पोल्यूशन ना हो, तो हम एक्चुअली उसके रेड स्पॉट को दूर से भी देख सकते हैं, ये इतना बड़ा है। लेकिन ये ऐसा है क्या जो इसको रेड बनाता है, और ये एक्चुअली क्या चीज़ है? और साथ साथ सिर्फ यही नहीं, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ग्रेविटी तो बहुत स्ट्रांग है जुपिटर की, लेकिन रियल लाइफ में कितनी स्ट्रांग है, आज हम इस वीडियो में ऐसी ही अजीब चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम रेड स्पॉट से जानने से पहले जरा जुपिटर के बारे में एक पहली चीज़ जान लेते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। जुपिटर अर्थ से ऑलमोस्ट 1300 टाइम्स बड़ा है, यानी कि 1300 अर्थ को आप सीधा जुपिटर के अंदर डाल सकते हो, फिट आ सकती हैं इसके अंदर। अब जब इतनी फिट आ सकती हैं, तो अगर हम इसके साथ रेड स्पॉट का साइज़ कंपेयर करें अर्थ के साथ, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे अर्थ से भी बड़ा स्पॉट है। यानी कि ये आपको छोटा सा एक डॉट दिख रहा है हमारे जुपिटर के ऊपर, ये हमारी अर्थ से भी कई गुना बड़ा है, और बड़ा होने के साथ साथ ये इतना ज़्यादा डेंस है कि इसके अंदर कई अर्थ आ सकती हैं। 4 से 5 अर्थ का मैस ये एक रेड स्पॉट ले जाएगा। लेकिन बड़ा तो है, लेकिन ये क्या चीज़ है? ये एक बहुत बड़ा स्टॉर्म है दोस्तों, एक बहुत बड़ा तूफान है जो कि 350 ईयर से चलता आ रहा है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप इसके थोड़ा सा करीब जाएंगे, इसके अंदर अगर आप चले जाएँ, तो ये आपको एक ख़ास ग्रेविटी से अपना एक ख़ास चीज़ करेगा, वो भी आपको आगे हम बताएंगे क्या करेगा। लेकिन एक्चुअली ये स्टॉर्म है तो ये रेड क्यों है, असल सवाल तो ये है। तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि जुपिटर के सिर्फ इस रीजन में ख़ास केमिकल्स पाए जाते हैं जिसको हम मेटालिक हाइड्रोजन कहते हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ गैसेस पाए जाते हैं जो कि इसको एक रेड कलर देती हैं, और ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से है कि ये कहीं मिक्स नहीं होती हैं और आपको सिर्फ यही कलर आपको रेड दिखता है। दोस्तों अगर आपने कभी कोई टॉप चलाया हो तो आपको पता होगा कि ये घूमने का क्या चीज़ होती है, घूमना कहते हैं किसको है। लेकिन जुपिटर हमसे जो इतना ज़्यादा बड़ा है, तो ये घूमता कितनी तेज़ है अपने एक्सेस के इर्द गिर्द? दोस्तों ये हमसे ऑलमोस्ट कई गुना ज़्यादा, 2 से 3 गुना ज़्यादा घूमता है अपने एक्सेस के गिर्द, जिसकी वजह से इसका जो एक रोटेशन हो जाता है वो सिर्फ 10 घंटों में ही पूरा हो जाता है, जो कि अर्थ में 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। अब जब ये इतना ज़ोर से घूमता है, तो जुपिटर एक्चुअली दूर से तो सर्कल लगता है, लेकिन ये एक लेमन टाइप आपको टच देता है, एक ओवल टाइप, अगर आप इसकी A to V इंफॉर्मेशन लें और एक प्रॉपर इसकी शेप निकालें, इतना ही इसका जादू है घूमने का। और घूमने की वजह से इसकी शेप इतनी तब्दील क्यों हो जाती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जुपिटर के ऊपर कोई लैंड है ही नहीं, ये टोटली गैस का बना हुआ है। तो जब गैस इतनी तेज़ घूमती है, तो वो कोई टाइटली पैक्ड तो नहीं होती कि उसकी शेप एक जैसी रहे, तो ये वक्त के साथ साथ चेंज भी हो सकती है अगर जुपिटर और तेज़ घूमता है या थोड़ा सा कम अपनी स्पीड को कर लेता है। दोस्तों अगर अपने कंपासेस यूज़ किए हैं तो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली बहुत ही वीक है, लेकिन इतना स्ट्रांग ज़रूर है कि ये सन से आने वाली हार्मफुल रेज को, जो कि सोलर विंड की सूरत में आती हैं, उसको रोक ले और अर्थ तक आने से उसको दूर फेंके, और मतलब अर्थ तक ना आने दे। लेकिन जुपिटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, अब आपको पता ही है कि 1300 टाइम्स ज़्यादा जब जुपिटर बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इतना बड़ा होगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप जुपिटर के करीब जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही करीब चले जाते हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये आपके ब्लड में से आयरन को टोटली खींच के निकाल लेंगे, और आप अचानक ऐसे फट पड़ेंगे, आपके अंदर से आपके ब्लड सेल्स में से एक एक आयरन का मॉलिक्यूल ही निकाल लेगा, और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब मरे, इतनी ये इसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। हालांकि हमारे अंदर आयरन है, लेकिन कभी भी हम किसी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन जुपिटर का कुछ और ही सीन है। अब दोस्तों जब ये जुपिटर इतना बड़ा है, तो इसके कोर में भी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, और यहाँ पर एक अजीब चीज़ आती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या अजीब है, इसके अंदर ये अजीब है कि यह हाइड्रोजन कोई आम हाइड्रोजन नहीं है। साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये एक ख़ास हाइड्रोजन है, एक ख़ास मैटर है जिसको मेटालिक हाइड्रोजन कहते हैं। हालांकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो हाइड्रोजन प्रेशर की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये मेटल की सूरत इख्तियार कर जाते हैं, जो कि बड़ी अजीब बात है। और अगर ये वाकई प्रूव हो जाता है, तो दोस्तों ये तो हमारे फिज़िक्स को समझने वाले सारे तरीक़े को ही चेंज कर देगा, और ये हाई प्रेशर फिज़िक्स में एक बड़ा रेवोल्यूशन ले आएगा कि आप गैस इतनी स्ट्रांग, आपके पास गैस आ जाएगी जो कि मेटल की जितनी स्ट्रांग होगी, और उसका वेट हवा से भी ज़्यादा हल्का होगा।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगली में मिलेंगे, तब तक के लिए।